अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त हम आए थे चार मीनार घूमने के लिए जो कि हैदराबाद में है, लेकिन भीड़ इतनी है कि आप सोचो ही मत यार। हम रमज़ान में आए थे कि हमने देखा था कि रमज़ान की जो चमक और धमक यहाँ पर होती है वो कुछ अलग ही होती है, लेकिन यहाँ पर भीड़ इतनी ज़्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। हम निकले थे हॉस्टल से अराउंड 6 बजे, इफ्तारी का वक्त हमें रास्ते में जो है वो आया, उसके बाद जो है हमने इफ्तारी जो है वो रास्ते में की। अब हम यहाँ से कुछ शेक ले लेंगे, उसके बाद हम शेक पीएंगे, उसके बाद थोड़ा हम एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू भाई। अभी हमने शेक दो जो है ले ली। उस्मान भाई मेरे साथ है। उस्मान भाई, भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी यार, बहुत ज़्यादा। घूमने के लिए आए थे लेकिन भीड़ जो है वो इतनी ज़्यादा है कि दिमाग ख़राब हो गया कसम से यार। पहले हम शेक पी लेते हैं, उसके बाद जो है थोड़ा हम एक्सप्लोर करेंगे चार मीनार, और हम आपके यहाँ पर मार्केट दिखाएंगे। मार्केट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, हर कोई चीज़ जो है, हर किस्म की चीज़ जो है यहाँ पर मिलती है। शेक पीने के बाद दोस्तों हम निकल गए मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए, और यहाँ पर हमें एक चूड़ियों का मार्केट दिखा जहाँ पर काफ़ी सारे वेराइटीज़ के चूड़ियाँ थी, और उसके बाद लेकिन हमारे काम का कुछ नहीं था इसलिए हम आगे बढ़ गए। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर दोस्तों मुझे एक भैया दिखे जो कि अतर बना रहे थे। इस भैया के पास कम से कम 100 वेराइटीज़ के अतर थे। अतर बनाते हैं क्या ऐसे ही, मतलब बॉटल में डालते हैं, बनाते नहीं हूँ। आप कितने सारी वेराइटीज़ आपके पास? 100 वेराइटीज़ है। कितने का, मतलब एम एल की 4 ml कितने का है? 4 ml, फिर 6 ml कितने का हो जाए? 100 रुपये का। 100 रुपये 6 ml। ये भाई साहब चार मीनार के सामने जो हैं अतर बेच रहे हैं। 6 ml जो है 100 रुपये से स्टार्ट है, और कम से कम 100 वेराइटीज़ है इसके पास। आप यहाँ पर आ सकते हो और यहाँ से इसके साथ अतर जो है वो ले सकते हो। दोस्तों इसके बाद पहुंच गए हम एक और मार्केट में जो कि साड़ियों का मार्केट है, जहाँ पर काफ़ी सारी वेराइटीज़ की साड़ियाँ अवेलेबल थी, 1500 रुपये से स्टार्ट थी, लेकिन ये भी हमारे काम का नहीं था इसलिए हम आगे बढ़ गए। जिस काम के लिए हम आए थे वो यहाँ पर अवेलेबल था ही नहीं, इसीलिए हमने सोचा कि चलो हम कुछ खा लेते हैं क्योंकि भूख काफ़ी ज़्यादा लगी थी। दोस्तों इफ्तारी के टाइम हमने कुछ नहीं खाया था। अब चार मीनार के सामने एक रेस्टोरेंट था, और हमने यहाँ से जो है हैदराबाद की मशहूर बिरयानी खाई। पहले हमने सोचा कि हम पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद फिर हम एक्सप्लोर कर लेते हैं, और ऊपर से गर्मी इतनी ज़्यादा है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हो यार। पहले हम कुछ खा लेते हैं, उसके बाद अगर मौका मिला जो है उसके मैं आपको मक्का मस्जिद भी यहीं पे दिखाता हूँ, उसके बाद थोड़ा मौका मिल गया तो जो मार्केट है ये भी एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ मैं आपको। दोस्तों फाइनली हमने खाना खाया है, लेकिन बिरयानी जो है ज़बरदस्त यार। हैदराबाद हमको 2 साल हो गए, ऐसी बिरयानी हमने आज तक किसी भी जगह पर नहीं खाई है, ज़बरदस्त बिरयानी थी यार। अब मैं आपको दिखाता हूँ मक्का मस्जिद। अगर मैं आपको मक्का मस्जिद नहीं दिखा रहा हूँ ये व्लॉग जो है इनकम्प्लीट रहेगा, क्योंकि मैं अभी मक्का मस्जिद जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है यार। दोस्तों ये है मक्का मस्जिद, और इसके सामने जो है, इसके बीच में इसका बोल सकते हैं, ये वजू बनाने की जगह है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा चार मीनार से मैच करता है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि इस व्लॉग में अगर मैं आपको मक्का मस्जिद के बारे में नहीं बताऊंगा तो फिर ये व्लॉग जो है अधूरा रह जाएगा। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और हम आगे देखते हैं कि आगे क्या क्या है। रमज़ान की वजह से यहाँ पर आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर आते हैं, विजिटर्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आते हैं, इसकी वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पर। माशाल्लाह सुभानअल्लाह, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है अंदर से। माशाल्लाह ये है मक्का मस्जिद, और लोग अपनी इबादत में जो है वो लगे हुए हैं। दोस्तों बहुत ज़्यादा कोशिश हमने की कि आपको इस वीडियो में दिखाने की कि हैदराबाद का जो ये मार्केट है चार मीनार के सामने लगता है कितना ज़्यादा खूबसूरत है। क्राउड काफ़ी ज़्यादा थी कि क्राउड की वजह से हम आपको ये पूरा नहीं दिखा पाए। कभी मौका मिलेगा इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो उसमें हम ज़रूर आपको दिखाएंगे, क्योंकि रमज़ान की वजह से यहाँ पर क्राउड काफ़ी ज़्यादा होता है, और जो यहाँ पर मार्केट जो है वो उसकी जो कैपेसिटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है।
इसी वजह से जो है लोग यहाँ पर ट्रैवल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो हम इंशाल्लाह आपको पूरा दिखाएंगे यहाँ पर। तो दोस्तों फाइनली हम चार मीनार से निकल गए हैं। हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि हमने एक जगह पर स्कूटी रखी थी, हमें यह भी आइडिया नहीं था कि हमने स्कूटी कहाँ रखी थी यार। थैंक्स टू उज़्मा राइडर्स ने इतनी ज़्यादा भीड़ में जो है वो राइड किया। ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था यार, ऐसा लग रहा है कि हम पछता रहे कि हम इतनी ज़्यादा क्राउड में क्यों आ गए, रमज़ान में क्यों आ गए यार, हालत ख़राब हुई कसम से यार। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।